आज हम आप लोगों को स्मृति चित्रण के अंतर्गत पेंसिल वर्क से बुक बनाना बता रही हूँ। इस मेथड के अनुसार आप कुछ भी बना सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है बुक बनाने का। देखिए, सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। किसी भी वर्ग के लिए ये है बच्चों, आप एक बार सीख जाएंगी तो कुछ भी बना सकती हैं। 15 सेंटीमीटर ये हमारी आधार रेखा है। फिर उसके बाद मैं 5 सेंटीमीटर यहाँ पे निशान लगाती हूँ और इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींच लेते हैं। 2 सेंटीमीटर हम बीच वाली रेखा खींचेंगे, इधर की 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, इस साइड में 5 सेंटीमीटर खींचेंगे और इस साइड में हम 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। खींचने के बाद हम जो 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे हुए हैं उसमें से ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, हम 2 सेंटीमीटर ऊपर से थोड़ा सा एक दो सूत कम करके हम निशान लगाएंगे। देखिए, 2 यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये यहाँ से लेकर के 2 के अंदर, इधर से भी ऐसे ही कर लेंगे। 2 सेंटीमीटर से कम की रेखा बिंदु यहाँ भी लगाएंगे। अब हमारा ये बिंदु तैयार हो गया। क्या करेंगे हम, इस बिंदु को, नीचे वाली बिंदु को नीचे वाली बिंदु से मिलाते हैं ऐसे, फिर इस वाले बिंदु को भी इस बिंदु से हम मिलाते हैं। अब ऊपर वाले बिंदु को, ये पॉइंट जो है, इसको हम मिला लेते हैं। देखिए, इधर से भी हम ऐसे मिला लेते हैं। अब हमारा किताब का 3 हिस्सा तैयार हो गया है। देखिए, इसमें हमारा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तैयार हो गया। ठीक, अब हम पीछे का हिस्सा निकालते हैं। देखिए कैसे, हम अब इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। ये भी 15 सेंटीमीटर आएगा। देखिए, अब यहाँ से एक रेखा हम सीधी खींच लेंगे और 15 का आधा 7.5 सेंटीमीटर पर हम एक बिंदु बना लेंगे और इस पॉइंट से, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा आगे की तरफ ले जाएंगे। हमको पीछे का हिस्सा निकालना है, किताब का ये वाला पीछे का हिस्सा निकालना है। देखिए, एकदम सही और सटीक किताब तैयार होगी। देखिए, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा आगे की तरफ ले जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है इसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं, बराबर बराबर 4 भागों में बांट लेते हैं। देखिए, 5 बिंदु पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2.5 पे निशान लगाएंगे, बीच का हो गया, और 2.5 का आधा 1.25 इधर और इधर भी, पॉइंट बन गया एक खाना। देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, 3 पॉइंट बना और खाना हमारा 3 हो गया, 1, 2, 3, 4 4 खाने हो गए। अब हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट, 3 खाने को हम ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे निशान लगाते हैं, 4 से कुछ कम है। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, इस पे मिलाते हुए हम यहाँ पर, देखिए यहाँ हमारा पॉइंट आ रहा है ये, वैसे आप कागज़ की स्केल भी बना सकते हैं, मोड़ करके कर लेंगे, इसमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया मेरा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। देखिए, ये हमारे किताब का पीछे वाला हिस्सा तैयार हो गया। ठीक, जैसे इसमें दिख रहा है, ये किताब का पीछे वाला हिस्सा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, किताब को किताब की आकृति देने के लिए हमें एक जिल्द बनानी है। इसके ऊपर ऐसे एक लाइन यहाँ से खींच देंगे, ये हो गया, एक लाइन पॉइंट यहाँ से, एक यहाँ से, ये हो गया। किताब का आकार देने के लिए हम ये पॉइंट जो बनाएंगे, ये
इसी में इस बिंदु से इस बिंदु को थोड़ा सा यहाँ बढ़ा करके हम सी के आकार का ऐसे आकृति बनाएंगे। ये ऐसे सी के आकार की आकृति, एक ही साइड से तीनों रहेगी। देखिए सी के आकार का ये हम बना दिए। अब ये वाला हिस्सा हम मिटा देंगे, ये वाला हिस्सा हम मिटा देते हैं, बाकी सभी हिस्से मिटाएंगे, लेकिन ये आप देख लीजिए, ये हो गया किताब की आकृति हमारी एकदम सटीक तैयार होगी। इसी मेथड से आप चाहे तो माचिस बना सकती हैं। देखिए कैसे, ये किताब को हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो ये यहाँ और यहाँ नाप करके, देखिए, खैर आप इसको सीख लीजिए तो माचिस बनाना बाद में बताऊंगी। यहाँ से आप ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे पॉइंट बना करके, ये माचिस का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ हम तीली बना सकते हैं ऐसे, समझ आ गया, ऐसे तीली बना देंगे यहाँ पे गोल गोल, देखिए ये माचिस भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम इसका पैर बना देंगे तो ये हमारा पीढ़ा तैयार हो जाएगा, देखिए हो गया। खैर अभी आप सेट देना सीख लीजिए, फिर उसको इसी आकृति में मैं माचिस, पीढ़ा, संदूक, बॉक्स सारी चीज़ें बताऊंगी। बाकी सारी रेखाएं मिटा करके देखिए सेट देना हम बता रहे हैं। इसमें जैसे सेट दिया हुआ है किताब की आकृति का, जिल्द को हम मोटा करेंगे ऐसे दोनों साइड से, और कोई कागज ले लेंगे, कोई छोटा सा हम एक कागज लेंगे, देखिए ऐसे कागज लेकर के हम इस पे कागज, आप रुई भी ले सकते हैं, इसके ऊपर कागज के ऊपर हम ऐसे पेंसिल से चला लेंगे, शेड दे लेंगे। अगर रुई रहेगा तो हम रुई को यहाँ पे ऐसे करेंगे जमीन में या कहीं भी, उसको हम देखिए ऐसे रगड़ लेंगे तो हमारा पीछे लग जाएगा। हम कागज़ से भी काम करते हैं, देखिए ये यहाँ पे शेड देना है ऐसे, यहाँ से शेड दे लेंगे, इधर से शेड ले लेंगे और इधर से भी हम शेड दे देंगे, हो गया। यहाँ किताब का हिस्सा है, यहाँ भी शेड दे लेंगे, ठीक है, इधर से भी हल्का सा दे देंगे, नीचे में भी हम यहाँ से ऐसे दे देंगे, बाकी सारी लाइनिंगें हम मिटा देंगे। ये देखिए अभी लिखना हम बताया नहीं है, देखिए बुक कैसे लिखा गया है इसको बताते हैं। ये जो हम बुक लिखे हुए हैं इसमें, इसको कैसे लिखते हैं, जो सीधा सीधा लिखे, देखिए यहाँ से हम बराबर इस एंगल में, ये जो हमारा किताब वाला हिस्सा है इसी एंगल में हम अंदाज से ला करके, अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से नाप करके भी लगा सकते हैं, दो सेंटीमीटर इधर है, इधर थोड़ा सा कम कर लेंगे, दो सेंटीमीटर से एक पॉइंट कम कर लेंगे, यहाँ लाइन खींचेंगे ऐसे, और उसी एंगल में फिर एक सेंटीमीटर डेढ़ सेंटीमीटर लगा करके इधर ऐसे खींचेंगे, और इस एंगल में जो ये हमारा किताब का ये वाला हिस्सा गया है उसमें हम इस तरह से बराबर बराबर मात्रा में भाग देते जाएंगे ऐसे, देखिए देखिए ये ऐसे ऐसे हम लाइन खींच लेंगे, जो भी लिखना रहेगा अब हम इसी एंगल में लिखेंगे, हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा और सटीक होगा। देखिए बुक लिख रहे हैं ऐसे, आप बुक भी बन गया, इसी में दो लाइन को मिला करके हम ओ बना लेंगे, ये देखिए ओ हो गया, ये और इसमें हम के बना लेंगे, देखिए अब इसी तरह से आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इसका पेज बनाने के लिए हम ऐसे लाइनिंग खींच करके हम पन्ना बना देंगे, ये देखिए अंदाज से हाथ से भी बना सकते हैं ऐसे, ऐसे इधर से बना करके, इधर से बना करके दोनों साइड से, और बाकी जो है इसको हम सफाई से सब मिटा देंगे, और इस तरह से हमारा ये किताब तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसे देख करके आप लोग बनाइए, फिर इसके बाद मैं और भी इसी मेथड से जो भी बनाना रहेगा, माचिस है, बॉक्स है, संदूक है, अलमारी है, मेज, कुर्सी, बेड, घर, सब कुछ इसी मेथड पे आप बना सकते हैं। ये सबसे सटीक और अच्छा तरीका है आपको चित्रकारी करने का। धन्यवाद बच्चों।